करेंगे, रागों को अपने हृदय में बिठा के रखेंगे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोलिए राघवेंद्र सरकार। जी नमस्कार दोस्तों, जय भारत, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। जैसा कि एक क्यूबिक्स का ये माइक्रोफोन मिक्सर्स है हमारे पास, जो कि 16 चैनल का है। आज हम इसमें आपको एक दिखाएंगे इसके डिले की जो खासियत है, इसका जो लॉन्ग डिले, जैसे आलाप लेते हैं सिंगर्स लोग, आलाप लेते हैं लॉन्ग डिले जो बोलते हैं, उसको हम कैसे लेते हैं उसको हम सबसे पहले ये दिखा देते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं लॉन्ग डिले कैसे काम करता है। तो देखिए, ये हमने लॉन्ग डिले को रिपीट हमने बढ़ा दिया। चैनल नंबर 1 में हमारा गेन लगा है, यहाँ पे गाने भी चल रहा है। अब हम इसमें माइक्रोफोन्स में बोलेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे डिले कैसे काम कर रहा है। चलिए, देखिए माइक्रोफोन ये दूर भी है लेकिन अभी भी ये रिपीट आ रहा है। देखिए अभी तक ये सेम चीजें रिपीट कर रहा है, कहीं पर भी तार टूट नहीं रहा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए इसकी ये है क्वालिटी, ये है माइक, ये है जो माइक मिक्सर, ये क्यूबिक्स कंपनी का है, क्यूबिक्स का है, यामाहा के डिटो कॉपी है MG16XU, जिसका डिले यहाँ पर ये और बढ़ा के दिखाइए, अभी जितने पे आलाप दिया था ये हमने यहाँ पे इतने पे लिया था और चैनल नंबर 1 में लगा है, तो चैनल नंबर 1 का ये यहाँ पर इतना डिले खुला हुआ है। अब चलते हैं, हम इसकी पूरा रिव्यू कर देते हैं, इसकी क्वालिटी क्या थी वो आपने देख लिया है। तो साथियों, ये मिक्सर हमारे सामने है, आपके सामने है, व्यू आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं इसमें एक एक चीज़ की, सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या खासियत है, क्या क्या क्वालिटी है। सबसे पहले तो इसका मैं एक नॉर्मली क्लोज लुक दिखा देता हूँ। इसका क्लोज लुक जो है ये देख लीजिए, बिल्कुल जैसा कि यामाहा है, बिल्कुल यामाहा की डिटो कॉपी है MG16XU का। और यहाँ पर इसका ये क्वालिटी जो देखें तो क्वालिटी, इसका ये कंसोल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रैक माउंट करने के लिए आप पत्ती लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है रैक माउंट के लिए, इसको ठीक से रखिए। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में विशेष कुछ नहीं है, बैक साइड में आपको सिर्फ ये पावर सॉकेट मिल जाता है, ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, पीछे इसमें इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर एक USB का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक एम्पलीफायर अटैच किया हुआ है जो कि Alexa 2400 है। आप सबने इन सब की वीडियो देख रखी है, चैनल पर पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। ये मिक्सर है, सबसे पहले स्लाइडर से हम चलते हैं। स्लाइडर इसका बहुत स्मूथ है, यहाँ पर आपको एक PFL स्विच मिल जाता है, स्टीरियो स्विच मिल जाता है, ग्रुप 1-2 और ग्रुप 3-4 का आपको एक स्विच मिल जाता है, पीक LED लाइट मिल जाती है, उसके बाद हर चैनल के लिए आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाते हैं। इस मिक्सर में बिल्कुल सेम यामाहा के जैसा है, और नीचे दबाने से हमारा चैनल ऑन होता है, अगर ये स्विच ऊपर है तो चैनल हमारा ऑफ रहता है। ये जितने फंक्शन हैं ये सारे फंक्शन आपको हर एक फेडर में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने USB से कनेक्ट किया हुआ है तो USB से एक स्विच आपको देखने को मिल जाता है, इसमें भी PFL स्टीरियो और ग्रुप 1-2-3-4 स्विचेस आपको देखने को मिल जाता है। मास्टर की बात करें तो मास्टर आउटपुट ग्रुप 1-2 के लिए एक फेडर दिया गया है, ग्रुप 3-4 के लिए एक फेडर दिया गया है, स्टीरियो लेफ्ट राइट के लिए एक फेडर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए FX रिटर्न का भी आपको एक स्विच मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑक्सिलरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि OX1 प्री है, OX2 प्री है, OX3 प्री, ऑक्सिलरी मास्टर आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो OX 1-2-3-4 हैं ये मास्टर ऑक्स हैं, क्योंकि जो हमारे इन सब चैनल में ये चार हमारे ऑक्स हैं, इन सब चारों ऑक्स के
जो मास्टर है वो ये है। मॉनिटर लेवल यहाँ पर दे दिया गया है, मॉनिटर लेवल का एक वॉल्यूम है। उसके बाद जैक का वो सॉरी हेडफोन्स का वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है। सोर्स यहाँ पर सोर्स ये दे दिए गए हैं, ये जो स्विचेस हैं यहाँ पर जो हमारा लेवल आता है वो लेवल किस सोर्स का आप आउटपुट देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। डिजिटल डिले यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंज करेंगे तो ये चेंज होता जाता है। यहाँ पर हर प्रकार के इसमें 24 प्रीसेट्स दे दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 12 नंबर पे आपको चलाना है तो 12 नंबर पे क्या करना है आपको, इस स्विच को करना है और एक बार ऐसे नीचे पुश करना है। ये है पैरामीटर। पैरामीटर बोले तो 12 नंबर का जो इक्वलाइजेशन सेक्शन है उसको कितने लेवल तक आपको सेट करना है ये आप कर सकते हैं। अब चलते हैं चैनल इक्वलाइजेशन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले एक खासियत बता दूं, यहाँ पर जो हमारे इनपुट्स हैं इसको ट्विन्स इनपुट्स बोलते हैं। इसमें हमारे ये वाले जो जैक्स होते हैं TS और TRS जैक होते हैं ये भी इसमें लग जाते हैं, और साथ में ये जो XLR हमारे होते हैं ये भी इन पे लग जाते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको स्विचेस दे दिया जाता है। अगर आपको लाइन चलाने हैं तो इसको ऑन करना पड़ेगा, अगर आपको लाइन माइक चलाना है तो इसको ऑफ कर देना होगा। तो ये इसमें इस स्विच के माध्यम से इसमें 2-in-1 काम करता है। उसके बाद आपको सबसे पहले गेन मिल जाता है, उसके बाद आपको कंप्रेसर मिल जाता है। कंप्रेसर की बात करें तो उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, उसके बाद फिर मिड की इक्वलाइजेशन सेक्शन मिलता है। मिड फ्रिक्वेंसी को कितने इक्वलाइजेशन सेक्शन तक आप काम कर सकते हैं, उसके बाद ये है आपका गेन, उसको कितने गेन तक आपको उठाना है। उसके बाद लो फ्रिक्वेंसी है, ऑक्स 1 ऑक्स 2 ये मिल जाते हैं, ऑक्स 3 मिल जाता है, उसके बाद ऑक्स 4 मिल जाता है जो कि आपका डिले का काम करता है, उसके बाद पैन मिल जाता है। सेम फंक्शन आपको हर एक चैनल के लिए मिल जाता है। इस मिक्सर की खासियत है कि यहाँ पर आपको कंप्रेसर मिल जाता है 8 चैनल तक, कंप्रेसर से बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर आपको एक फैंटम पावर सप्लाई मिल जाता है देखने के लिए, हाई पास फिल्टर आपको स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है इन दोनों में भी। ठीक है, यहाँ पर 9-10 इसमें माइक्रोफोन्स लगेगा, 11-12 ये इसमें इनबिल्ट है। उसके बाद अगर 9 और 10 इसमें ये जो है इस तरह से बनाया है कि अगर आपको कीबोर्ड लगाना है तो आपको ये इसको स्विचेस को ऑन नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको आपको कीबोर्ड लगाना है तो इसको यहाँ से आप लाइन बन जाएगा, ये लाइन पे चला सकते हैं। वैसे सेम 11-12 ठीक इसी तरीके से 13-14, 15-16 इस प्रकार से यहाँ पे 16 जो हैं आपको इनपुट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 3 ऑक्स 4 ये आपके ऑक्स सेंड आउटपुट हैं। मॉनिटर आउटपुट यहाँ पर लेफ्ट राइट आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पर ग्रुप आउटपुट है जो कि TS जैक के माध्यम से है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 है। ये दो मेन आउटपुट हैं जो कि XLR हैं। वहाँ पर स्टीरियो आउटपुट भी आपको एक TS जैक के माध्यम से भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक स्विच फुट ऑन मिल जाता है और यहाँ पर हेडफोन आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देंगे तो ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई अगर चल रहा है तो यहाँ पर ये लाइट जलती रहेगी। तो ये इसकी प्राइस की बात करें तो ये इसका प्राइस अप्रोक्सली आपको हर एक स्टेट में और हर जगह पर डीलर के अकॉर्डिंग आपको कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे जो मिला है जिसके लिए मैं लेकर के देने की बात कर रहा हूँ ये 17,000 रुपये का हमको मिला है दिल्ली से। अब आप किस शहर में हैं वहाँ पर इसको कितने रुपये में कोई देना चाहता है ये डिपेंड करता है उस डीलर के ऊपर। ये छोटे प्रोग्राम के लिए बोले तो इसका डिले मुझे बहुत अच्छा पसंद आया है। छोटे प्रोग्राम सुंदरकांड रामायण के लिए बहुत अच्छा है, अगर और बड़ा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो अलग की बात है, आप फिर इससे हैवी जितना लेना चाहें वो उतना ले सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बजाते हुए बड़ी राग है।